हेलो व्यूअर्स, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स के यूनिट संख्या 5 जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके बारे में हम विस्तार से पेन और पेपर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो है दो न्यूमेरिकल के बारे के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये जेड आकृति है, ठीक है। इस जेड आकृति का आपको डायमेंशन दी हुई है और डायमेंशन के आधार के ऊपर आपको इसकी सी जी एक्स और वाई बार निकाल दिए, ठीक है। आपको पहले क्या करना है कि उस आकृति को आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद के अंदर आपको क्या करना है कि जो आकृति आपने बनाई है उसको, वो आकृति जो आपके एक्स और वाई प्लेन जो है उसके लेफ्ट के अंदर टोटल आ जानी चाहिए, ठीक है। ये मैंने आकृति बनाई है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसके यहाँ पे सीधी वर्टिकल लाइन खींची है, ठीक है, क्योंकि अब पूरा इस साइड के अंदर आ गया। इसी तरह से नीचे की साइड के अंदर मैंने ऊपर किया है तो ये लाइन खींच दी और यहाँ पे मैंने ओ कर दिया, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ये मेरे इस वाले जो जिसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ये पूरा जो पार्ट है वो फर्स्ट के अंदर आ गया, ठीक है। आगे समझ, तो आपको पहले ये करना है कि किसी एक जो क्वाड्रेंट के अंदर है वो पूरी आकृति आ जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम जो आकृति दी हुई है उस आकृति को हम पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जिसका कि हमको सीजी पता हो, ठीक है। अब इस आकृति को देखने से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि अगर मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा, मान लीजिए आपको ये वाला पार्ट है इसको एक कर दिया, यानी कि मेरे को इसकी एक्स और वाई बार पता है। इसी तरह से मैंने इसको यहाँ से यहाँ कर दिया, यानी कि इसका मेरे को एक्स और वाई पता है। इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, इसका मतलब मेरे को एक्स और वाई पता है, ठीक है। अब हमको ये पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक दो तीन, ठीक है। अपना फॉर्मूला ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, इसको डिवाइड करना है इसमें तो आपको एक्स बार निकल जाएगा और इसी तरह से वाई के अंदर तो वाई बार निकल जाएगा। अब बच्चे जो प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करते हैं तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना। जैसे पहले का एरिया आपको लिखना, एरिया लिख दिया 10 × 2.5 25, ए टू इसका जो है एरिया करना आपको, इसका एरिया 20 − 5 × 2.5 = 37.5 और ए थ्री 20 × 5 × 100, ठीक है। आपने इन तीनों का एरिया लिख दिया। अब जो इम्पोर्टेंट, जो बच्चे जनरली गलती करते हैं वो करते हैं आपके एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री निकालने के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स वन जो है आप इस साइड के अंदर से निकालेंगे। जैसे ये वाला जो चीज है आपने, ये आपने रेफरेंस ले रखा है, तो आपको क्या करना है कि इसका ये वाली यहां से टच हो रही है तो इसका आधा लेना है, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक्स वन होगी इसकी। ये दूसरा वाला जो चीज है इसके 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगी, तो x1 5 है। अब नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्या होता है कि इसका अपन को क्या लेना है, आधा लेना है। इसका क्या लेना है, आधा लेना है, यानी कि ये वाली जो है इसका जो है ये क्या आ जाएगा, 2.5 / 2। और फिर ये वाली जो आकृति है, ये वाले जो नंबर 2 जो पार्ट है वो इस बिंदु से यहाँ पे जो है कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, ये इसको 10 − 2.5, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10 − 2.5 है, ठीक है। और इसको आपको इसको जोड़ना है, ठीक है। तो 10 जो x2 जो है इसकी कितनी होगी, 10 − 2.5 / 2। इसको जो है आप ऐसे भी कर सकते हो या आप इसको यहां से यहां तक करके ये वाली आकृति को इसको यहां से डिस्टेंस को घटा सकते हैं, तो आपके x2 आ गई। इसी तरह से आपको ये वाली थर्ड आकृति यहां से यहां तक की डिस्टेंस और इस वाली डिस्टेंस की आधी को जोड़ेंगे तो आपको x3 आ जाएगी। इसी तरह से y1 है, आपको y1 ये वाला पार्ट लेना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और इसका आधा जोड़ना है तो आपकी ये आ जाएगी। इसके बाद में ये वाली जो चीज है नंबर 2 पार्ट की है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और इसका आधा जोड़ना है, और ये ऑलरेडी इसी एक्सेस पे है तो इसका आधा लेना है। तो इस प्रकार मैंने y1, y2 और y3 लिखा लिए। इन सब का वैल्यू जो पुटअप है हम इसके अंदर करेंगे तो आपके जो 13.557 आ जाएगा और इसका जो y बार है 7.69 आ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना, लोकेट करना है, तो हमने क्या किया था, ये ओ पॉइंट लिया था, तो y बार जो है आपके इस एक्सेस से वर्टिकल दिशा के अंदर 7.69 आएगी और यहां से जो है इस वाले से इस साल वाली जो 13.57 है,
कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको इसके इधर से वैल्यू दे रही है तो आपने ये निकाल लिया, और अगर इस पॉइंट से आपको निकालनी है तो इसके टोटल डिस्टेंस में से आपको ये घटा दोगे तो यहाँ से इसकी सीजी आपके पता चल जाएगी। तो ये इस प्रकार हम जेड सेक्शन का जो है वो लिखा लेंगे। अब नेक्स्ट जो है आपके एक और क्वेश्चन जो है उसके अंदर दो आकृतियों से बना हुआ होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास के अंदर एक ट्रेपोजियम है और वहां के ऊपर एक हाफ सर्कल हुआ हुआ है, ठीक है, इसकी डायमेंशन दे रखी है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको थ्योरी के अंदर बताया था, ये जो आकृति है, ये जो आकृति आपकी बनी हुई है, ठीक है, ये आकृति किससे बनी हुई, एक तो ट्रेपोजियम से बनी हुई है और एक हाफ सर्कल में बनी हुई है। तो आपको पहले ट्रेपोजियम की जो क्या निकालनी है, आपको सीजी निकालनी है, ठीक है, वाई दिशा के अंदर, और फिर इसके बाद में आपको हाफ सर्कल की क्या निकालनी है, सीजी निकालनी है वाई दिशा के अंदर। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रेपोजियम का एरिया निकाल लिया अपन ने, जैसा कि मैंने आपके थ्योरी के अंदर बताया ए प्लस बी डिवाइडेड इंटू एच, तो ये आपके एरिया निकल गया। और इसकी वाई वन है, इसकी वाले की जो चीज है, ये वाली जो चीज है वाई वन जो है ट्रिपोजियम की, ये आगे एच बाई थ्री टू ए प्लस बी ए प्लस बी हो जाएगी। तो इसमें वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इजिकल टू एट आएगी। तो अपने इसकी वाई वन निकाल दिया और एरिया निकाल दिया। इसी तरह से हमको क्या करना, हाफ सर्कल जो है, ठीक है, उसका एरिया निकालना है पाई आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, ये निकाल लिया आपने। और इसके साथ साथ में वाई टू बार निकालना है, ठीक है, वाई टू बार जो है आपने चार बटे तीन आर अपन पाई होता है, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपके कितने आ जाएगी, 40 डिवाइडेड बाई 3 पाई इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से हम इसमें से इसको घटाएंगे में तो आपको ये वाली आकृति मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, ये ए वन वाई वन माइनस ए टू वाई टू डिवाइडेड बाई ए वन माइनस ए टू, इसमें इनकी वैल्यू पुटअप की आपने तो आपकी वाई बार बार जो है 9.538 आज सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये आपके वाई वन बार, इसी तरह से आप एक्स वन बार भी निकाल सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए हम इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है दूसरा टॉपिक लेंगे।